एसटीएफ उत्तर प्रदेश को क्रिकेट के आईपीएल ट्रॉफी में सट्टेबाजी करते हुए प्रशांत जायसवाल व विवेक चौधरी को सट्टेबाजी में प्रयुक्त उपकरण एवं सट्टेबाजी से प्राप्त धन के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान प्रशांत जायसवाल पुत्र प्रदीप कुमार जायसवाल निवासी मोहल्ला गीता प्रेस शेखपुर थाना राजघाट तथा विवेक चौधरी पुत्र शिव शंकर चौधरी निवासी मोहल्ला मोहनापुर पादरी बाजार थाना शाहपुर के रूप में हुई है। इनके पास से एसटीएफ ने 86,000 रुपये नकद, 5 सेट मोबाइल फोन, 2 रजिस्टर जिसमें सट्टेबाजी और सट्टे का विवरण अंकित है, 2 चेक विभिन्न बैंकों के विभिन्न खाता धारकों द्वारा निर्गत तथा प्रयोग सट्टेबाजी गिरवी के तौर पर रखने का रजिस्टर शामिल था। गौरतलब है कि आईपीएल क्रिकेट मैच शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ को सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि वर्तमान में चल रहे आईपीएल मैच 2020 में वेटिंग एक्सचेंज बनाकर के लोगों को जोड़कर प्रत्येक मैच में सट्टेबाजी का काम संगठित गिरोह द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एसटीएफ के विभिन्न टीमों को निर्देशित किया गया था कि जिसके क्रम में पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ डीके साहू के नेतृत्व में निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह को सूचना संकलन एवं कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर टीम द्वारा मुखबिर की बताए हुए सूचना पर ईस्टर्नपुर पादरी बाजार मोहल्ला के एक मकान पर तबिश दी गई तो सट्टा खेलते हुए 2 युवक गिरफ्तार कर लिए गए और उनके पास से नकद रुपये और सामग्री बरामद हुई। एसटीएफ 2 गिरफ्तार युवकों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई कर रही है। Thank you.